आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और गंभीर केस के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो व्यक्ति है, इनको हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी एडवाइस की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि इनके हार्ट की जो पंपिंग की पावर है वो 15% पे पहुंच गई थी। जनरली हार्ट जो अपना होता है वो 60% पंपिंग पावर से काम करता है, लेकिन 15% पावर हो जाना ये बताता है कि हार्ट आपका बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और किसी भी समय कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हार्ट को ट्रांसप्लांट करना ही सोल्यूशन होता है। तो ये जो व्यक्ति थे, इन्हें भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम था, और ये प्रॉब्लम लेकर ये आ गए हमारे माधव बाग के संगमनेर ब्रांच में। तो इन्हें तकलीफ क्या क्या हो रही थी? तो सांस फूलने की तकलीफ थी, सीने में दर्द होता था, कमजोरी महसूस होता था, बीपी भी बढ़ चढ़ रहा था। तो ये सब प्रॉब्लम लेके ये माधव बाग के संगमनेर ब्रांच में डॉक्टर कल्पिता मैडम के पास में आके पहुंच गए। तो माधव बाग में जनरली हमारे पास में क्रोनिक हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट होती है, जिसमें हम संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण की ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो होता है, इसमें हार्ट के पंपिंग पावर को बढ़ाने की ट्रीटमेंट होती है, इसकी ताकत को इम्प्रूव करने की ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो बेसिक चेकअप जब हुआ तो उसमें वजन थोड़ा बड़ा हुआ, बीएमआई बड़ा हुआ दिखा, पैरों हाथों पैरों में सूजन वगैरह दिख रही थी, पेशेंट को भूख भी कम लग रहा था, बीपी उनका बड़ा हुआ था। 2D एको में जैसे मैंने बताया 15 से 20% ही उनका हार्ट जो है वो काम कर रहा था। और ये सब प्रॉब्लम लेकर आ गए, हमने संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण की ट्रीटमेंट चालू कर दी इनकी, डाइट वगैरह सब कुछ चालू कर दिया, आयुर्वेदिक दवाइयां दे दी। तो उससे हुआ क्या? हुआ ये कि 90 दिनों में उनका जो 15 से 20% का पंपिंग पावर था वो 25 से 30% इम्प्रूव हो गया। तो ये 10% से उनका जो पावर है वो इम्प्रूव हो गया। उनकी जो दवाइयाँ थी वो दवाइयाँ भी जैसे वो स्टार्टिंग में वो जब कुछ नहीं ले रहे थे, जब तकलीफ हुआ तो उनको दवाइयाँ चालू ही, और हमने फिर ये सारी दवाइयाँ भी उनको कार्डियोलॉजिस्ट के सलाह से चालू कर दी। तो ये सब दवाइयाँ पेशेंट ले रहे थे, उनके रिपोर्ट्स आप देख सकते हो, पहले 15-20% था, फिर 25 से 30% उनका पंपिंग पहुंच गया 90 डेज में। और ये 2018 की बात है, ये पेशेंट अभी भी हमारे फॉलोअप में है। फिर आप 2019 का रिपोर्ट देखोगे तो उसमें 25 से 30% उनका ईएफ हो गया था, 2020 में वो बढ़ गया 30% से 40% हो गया, और 2023 में आप देखोगे तो 40-45% में उनका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ गया। तो हर साल एक नियर अबाउट 10-10% से उनका ईएफ इंप्रूव हुआ है, 15 से अभी वो 40-45 तक पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार का कुछ हेल्दी बैलेंस डाइट उन्होंने फॉलो किया है, और पिछले 6 सालों से वो हमारे फॉलोअप में है, वो उनके कार्डियोलॉजिस्ट के फॉलोअप में भी है, हमारे फॉलोअप में भी है, और दोनों के मदद से उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रही है। तो जब आप अच्छे से डॉक्टर के सलाह को फॉलो करते हो तो ये हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे प्रॉब्लम्स भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एलोपैथी की दवाइयाँ मैनेज करना, उसे अच्छी तरीके से प्रोटोकॉल के हिसाब से कंटिन्यू करना, साथ ही में आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लेना, पंचकर्मा का सहारा लेना, डाइट लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, ये सभी कुछ जब आप करते हो एक अच्छी तरीके से तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये आप केस स्टडी देख सकते हो, पिछले 6 सालों से ये पेशेंट जो है हमारे फॉलोअप में है, डॉक्टर कल्पिता मैडम इनको ट्रीट कर रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं डॉक्टर कल्पिता, और ये संगमनेर ब्रांच में इनकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज है जिसमें हमने पंपिंग पावर को भी इम्प्रूव किया है, पेशेंट के हार्ट ट्रांसप्लांट को इम्प्रूव प्रिवेंट किया है, पेशेंट के ब्लॉकेजेस को हमने रिवर्स किया है। तो माधवबाग के सभी शाखाओं में ये ट्रीटमेंट उपलब्ध है। ये ट्रीटमेंट जो अभी पेशेंट हमने देखा वो संगमनेर ब्रांच में ट्रीटमेंट लिया था। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है हार्ट रिलेटेड तो माधवबाग में आप जरूर आइएगा, हम इसे मिलकर ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।